गाइस, तो आज मेरे चैनल पे काफ़ी टाइम बाद आपको एक लॉन्ग वीडियो देखने को मिलेगा। ये होने वाला है आज का पूरा हॉल बिग बास्केट से। सब कुछ ये प्रोडक्ट्स प्लास्टिक के जो भी मेरे पास हैं, आप हाथ में देख रहे हो, सब मैंने परचेज़ की हैं बिग बास्केट से। एंड काफ़ी पुराना हॉल है, लेकिन बस ये है शेयर मैं अभी कर रही हूँ, सॉरी फॉर दैट। तो अभी आप देखते हैं सबसे पहले इस टिफ़िन को। तो ये मैंने दो परचेज़ किए थे, आप देख सकते हो स्टार्टिंग में जो दिखाया था वो मैंने पैकेजिंग था, मतलब पैक्ड था, ये मैंने यूज़ कर लिया है। तो इसमें दिखा रही हूँ मैं ये वाला। तो इसकी ना ऊंचाई बहुत अच्छी है इस टिफ़िन में। ख़ास बात ये है कि आप इसमें काफ़ी सारा स्टोर करके ले जा सकते हो, ऑफिस में बच्चों को दे सकते हो, हस्बैंड को दे सकते हो। ये जो बीचों पार्टीशन है इसको अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो। इसमें दो पार्टीशन सेट करने के लिए दो खन दिए हुए हैं। उसके साथ में निकलता है एक ये गोल वाला बॉक्स, राउंड बॉक्स, ये पता नहीं क्या इस पर लिखा, मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया। इसमें भी आप अपनी सब्जी, फ्रूट्स वगैरह कुछ भी रख सकते हो। एक बॉक्स ये निकलता है रेक्टेंगल शेप में। और इसमें अगर आप, मैं सबसे अच्छा बताऊँ ना, तो पाव भाजी बहुत अच्छे से ले जा सकते हो यार, बहुत अच्छे से, क्योंकि पाव इतनी फूली फूली होती है ना, उसके लिए ना काफ़ी स्पेस चाहिए होता है। तो नॉर्मल टिफ़िन में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, मुझे सबसे अच्छा ये लगता है इसीलिए, क्योंकि मुझे पाव भाजी जब रखनी होती है अपने बच्चे को स्कूल में तो मैं इसी में रखती हूँ। तो मुझे इसलिए ये टिफ़िन बहुत पसंद आया। और इसमें आप ऐसा भी कर सकते हो, कभी आपको नॉर्मल यूज़ करना हो खाली एक बॉक्स के साथ या दो बॉक्स के साथ जैसे अभी मैंने दिखाया, या खाली अगर बॉक्स नहीं रखने हो, आपको नीचे कुछ भी ज़्यादा कुछ पुलाव वगैरह ऐसा रखना हो तो वो भी रख सकते हो, ठीक है। एक बॉक्स के साथ रखना हो वो भी रख सकते हो, दो के साथ रखना हो तो वो भी आप, मतलब जितना भी आपका खाने का फूड का सामान होगा ना ऑफिस में आपके, वो आपका आराम से कैरी हो जाएगा इस टिफ़िन में, एक टिफ़िन में। स्पून एंड फॉक भी निकलते हैं साथ में। तो ये टिफ़िन की क्वालिटी एंड प्राइस तो बहुत अच्छा था। प्राइस मुझे अभी किसी का याद नहीं है, फिर भी अगर किसी को चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट शेयर कर दूँगी। एंड उसके बाद अब मैं वन बाय वन सारी चीज़ें दिखाती हूँ। यहाँ पे ये आटा बॉक्स, आटा बॉक्स भी बोल सकते हो या कुछ और भी रख सकते हो। तो इसमें ऐसा बटन भी दिया है गैस जो एयर बन जाती है उसको पास ऑन करने के लिए। एंड ये तीन पीस का सेट है, थ्री पीस का, पहला ये है, उसके बाद ये दूसरा, तीसरा मैं अभी वन बाय वन आपको दिखाऊँगी। फर्स्ट वाला ये है 18 ml का, 1800, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाला ऑप्शन है। एंड हाँ, इसका ना जो लिड वगैरह है ना वो आपको टाइटली प्रेस करके लगाना पड़ेगा तभी लगेगा, वैसे लॉक वाला नहीं है। सेकंड वाला ये देख सकते हो आप 1200 ml का है। थर्ड वाला ये है 600 ml। तो क्वालिटी वगैरह सब बहुत अच्छी थी, क्योंकि ये जब भी मैंने जब लिए थे ना, सब डिस्काउंट में ही लिए थे, बहुत अच्छे ऑफर थे, 70%, 60%, 50% ऐसे ही कुछ। तो ये जो मेरे हाथ में अभी देख रहे हो ये 1000 ml कैपेसिटी का ये बॉक्स है, मतलब लंबे टाइप में बॉक्स हैं ये। इसमें आप अपनी दालें या स्नैक, नमकीन वगैरह कुछ भी स्टोर कर सकते हो। चार पीस का सेट था, ये भी मुझे बहुत अच्छे रेट में मिल गया था, मतलब अंडर 100, और इसके MRP जो है 335 से ज़्यादा है। क्वालिटी आप देख सकते हो, लिड एकदम फ्लेक्सिबल है, मतलब बहुत ज़्यादा हार्श या लूज प्लास्टिक नहीं है, मीडियम क्वालिटी, मतलब अच्छी क्वालिटी है मीडियम में। के बाद मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे ये वाला जो है, ये मैंने बहुत सारे परचेज़ किए थे, क्योंकि मुझे ये देखे हुए हैं इस ब्रांड के पहले भी हमारे पास दूसरे टाइप के थे, तो मुझे पता ही, नो डाउट ये अच्छी आते हैं। वो सारे मैंने पहली पहली बार लेते तो पता नहीं था कि क्वालिटी अच्छी होगी या नहीं, बट सच्ची बता रही हूँ क्वालिटी सारे ही प्रोडक्ट्स की बहुत अच्छी थी। एक ये सेट मैं ओपन करके यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ, डायना कंटेनर सेट ऑफ 3, कैपेसिटी 1000 ml। कलर भी इसके बहुत अच्छे हैं, लाइट कलर्स हैं। एंड इसमें आप अपना आटा रख सकते हो या रोटी बना के भी रख सकते हो, मतलब कुछ भी स्टोर कर सकते हो। और फ्रिज में स्टोर करने के लिए बहुत ही अच्छा लगा, मतलब लिड के साथ ही आपको फ्रिज में चीज़ें स्टोर करनी चाहिए खाने की, तो मुझे ये क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा लगा, लिड वगैरह कहीं से लूज़ नहीं था। ये मैंने 8 लिए हैं सेट, आप सोच सकते हो 8 सेट मेरे पास हैं। गाइस बस यही था आज का हॉल। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने हो, मेकअप प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ भी चेक करने हो, तो वो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। तो मैं ऐसी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।